अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस क्लास में जो हमने गुज़िश्ता क्लास में एक लेआउट क्रिएट किया था उसको मज़ीद स्टाइलिंग देंगे और मज़ीद उस हवाले से कुछ बात करेंगे। आई विश कि आपको समझ में आ सकेगी। मैं ओपन कर लेता अपना प्रोजेक्ट जहाँ तक हमने क्लोज़ किया था वहीं से, ठीक है। और उसके बाद अब सिंपली इसको मैं, ये मेरे पास कंटेनर है, मैं यहाँ पर आता हूँ। बॉडी को मैं फ़िलहाल कोई स्टाइल नहीं देता हूँ, या बॉडी को मैं फ़िलहाल, या बॉडी को मैंने लाइट कलर दिया हुआ तो बॉडी को जाने देते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं एक और फीचर दे देता हूँ कि स्टार लगा के, जी हाँ, जो जो काम करते हैं इसके ऊपर, इस लैंग्वेज के ऊपर, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होता है। स्टार से दरअसल वो प्रॉपर्टीज़ जो कि आप तमाम के तमाम टैग्स में गिवन करना चाहते हैं वो आप स्टार में देते हैं, ठीक है ना। मैंने मार्जिन दे दिया 0px, पैडिंग दे दी 0px। उसके बाद मैं नीचे चलता हूँ और सबसे पहले मैंने इधर क्रिएट किया आईडी लगा के कंटेनर, ठीक है। कंटेनर मैंने क्रिएट किया, उसके बाद मैंने इंटर किया और कंटेनर के अंदर मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर, फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड, मैं कंटेनर को देता हूँ बैकग्राउंड हैश लगाता हूँ मैं। अब मैं कलर चूज़ कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, ठीक है ना। ये फीचर बहुत कम सॉफ्टवेयर में गिवन किया जाता है, यहाँ आपको दिया जा रहा है बाकायदा तौर पर। फिर आप इसको विद एंड हाइट देते हैं, आपने विद इसको दे दी कंटेनर को अपने, इस वे में नहीं, इस वे में देंगे विद। देखिए ऑटो इनहेरिट बिल्कुल ये वैसे ही कुछ, कई कई हद तक तो ड्रीमवीवर से जैसा मिलता जुलता है, लेकिन बाज जगहों पे ड्रीमवीवर से भी बेहतरीन आपको रिजल्ट दे रहा है। बाय द वे आपने इसे दे दी हाइट, विद दे दी फॉर एग्जांपल 900px। वैसे ये डिपेंड करता है आपके स्क्रीन साइज रेजोल्यूशन के ऊपर। मैं आपको वैसे ही बता दूं कि मोस्टली जो है अभी भी 1280 के साइजेस जो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं विद में, 1280 दुनिया भर में। लेकिन 900 से ये होता है कि देखिए दो तरह के साइज फेमस हैं, मोस्ट फेमस हैं, एक 1024, एक 1280, ठीक है ना, 1024 एंड 1280, ठीक है। अब अगर आप 900 बनाएंगे तो वो 1024 वाले साइज़ के साथ भी चल जाएगी और 1280 के साथ भी चल जाएगी। हालांकि 1280 क्योंकि लैपटॉप्स का दौर है तो 1280 की साइज विद जो है वो ज़्यादा चलती है। वाइड स्क्रीन है लोगों के पास, चौड़ी चौड़ी स्क्रीन जो होती कहलाती है वाइड स्क्रीन, वो है लोगों के पास। लेकिन उसके बावजूद कुछ कंप्यूटर्स आज भी ऐसे हैं, बल्कि ये समझ लें कि पाकिस्तान में ज़्यादातर तादाद जो है वो 1024 के साइज़ के कंप्यूटर्स की है। तो पाकिस्तान में जो है या कई ममालिक में दुनिया के अभी भी चलता है, तो इसलिए आप 900 बनाएंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि हर कंप्यूटर पे आपकी वेबसाइट एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि 1024 से छोटा अपनी व्यू प्रीव्यू आता ही नहीं है। जैसे पहले 800x600 आता था, वो ख़त्म हो चुका है, विंडोज़ XP जाते ही वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है ना। सो हम इसको 900 का साइज़ देंगे, 960 देते थे, 960 बाकायदा एक सिस्टम, ग्रिड सिस्टम भी है, और 960 को सामने रखते हुए आप एक परफेक्ट वे में आ जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आपकी वेबसाइट बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ में आ जाती है 1024 के पीसीज के हिसाब से। उसके बाद आपने हाइट दी इसको, हाइट वैसे तो फ़िलहाल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गिवन कर रहा हूँ हाइट। मैं इसको मिसाल के तौर पर दे देता हूँ फ़िलहाल 650px। और अब मैं इसको ब्राउज़र में चेक करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है, देखिएगा ये रहा। ऑटोमेटिक रिफ़्रेश किए बगैर, जो मैं CSS में काम किया मैंने रिफ़्रेश किए बगैर इधर अप्लाई हो गया, ठीक है ना। रिफ़्रेश करो भी तो मुझे कोई नई नई चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है ना, ये मुझे मिल गया। लेकिन देखिए साइट पे लगा हुआ है, ये सेंट्रलाइज नहीं है वो हमारा डेटा। पहले मैं बैकग्राउंड कलर को मज़ीद थोड़ा सा लाइट करता हूँ, थोड़ा सा मैंने इसे मिटाया और मैंने हैश लगा के मज़ीद थोड़ा सा लाइट किया, जैसे कि ये कलर सही है। चलें F की सीरीज़ में ले जाते हैं, यहाँ पे चल के देखते हैं। अभी थोड़ा सा ज़्यादा लाइट हो गया, थोड़ा परफेक्ट लग रहा है। इसको थोड़ा सेंट्रलाइज करना है, सेंट्रलाइज करने के लिए हर स्क्रीन के हिसाब से अगर आप सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, चाहे किसी भी स्क्रीन पर जाइए सेंट्रलाइज हो जाए, तो आप इसको देंगे मार्जिन, मार्जिन आप इसको देंगे 0 और ऑटो, ठीक है ना। यानी कि हाइट एंड टॉप एंड बॉटम से जो 0 हो जाए, जबकि लेफ्ट एंड राइट से ऑटोमेटिक हो जाए। ऑटोमेटिक से क्या होगा, यू कैन ईजिली सी, देखें सेंटर में आ गया ये। अब जितनी बड़ी स्क्रीन है जितनी छोटी स्क्रीन होगी सेंटर में रहेगा, अगर 1024 की स्क्रीन भी होगी तो बहरहाली सेंटर में रहेगा, थोड़ी थोड़ी सी वॉल्स आपको साइड पर नजर आएंगी। ये हमने एक छोटा सा व्यू क्रिएट किया अपनी वेबसाइट का, अपने कंटेनर का। अब मज़ीद आगे चलते हैं, आगे मैं हेडर को क्रिएट करता हूँ। मैंने हेडर को कॉल किया, एक कदम आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हेडर जो है कंटेनर के अंदर है हेडर। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडर के अंदर फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड, पहले देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर, वही हैश हम लेंगे, और हैश के बाद आप कोई से भी कलर चूज़ करना चाहें आप ले सकते हैं, देर इज़ नो प्रॉब्लम विद इट। उसके बाद आप इसको देंगे एक विद
विद आप दे देंगे इसको मिसाल के तौर पर, विद आपकी मर्जी आप कितनी देना चाहते हैं वो आप दें। वैसे रिकमेंड है 200 px, वैसे तो ज़्यादा है 200 px भी, बहरहाल इसको कम करते हैं। हाइट आपने दे दी 100 px, सॉरी रिकमेंडेड 200 px हाइट है, विथ तो आपकी 900 होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसको हम चेक करते हैं ब्राउज़र में, हाइट 100 मोस्टली जो 100 चलती है, ठीक है ना। वो असल में नीचे व्यू आ रहा था तो मैंने उसी से माई मेंटली मैंने उसी को क्रिएट कर दिया था। बाय द वे ये मैंने एक क्रिएट किया, लेकिन आई थिंक ओ हो सेम कलर्स हो गए, बैकग्राउंड के कलर सेम होगा तो मुझे चेंज करना पड़ेंगे। नाउ हैश एंड ये दो कलर जो हमने इस्तेमाल किए हैं वो दरअसल डिस्प्ले हो रहे हैं, मैंने 8080 और 80 नंबर दे दिया है। नाउ देखें ये मेरे पास आ गया मेरा हेडर, और 960 की चूँकि मैंने विद ऊपर बनाई थी तो इधर भी मुझे 960 ही चूज़ करना होगा। और नाउ आई शुड चेक दिस, इट इज़ परफेक्ट इन वे। और उसके बाद एक और चीज़ जो मैं कंटेनर में करूँगा वो ये होगी कि मैं बॉर्डर ऐड कर दूँगा। ओ आई सी, गो हेयर BORDER बॉर्डर 1px सॉलिड सॉलिड, और उसके बाद आपने ब्लैक कलर का बॉर्डर ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ जस्ट सी दिस, देयर इज़ अ बॉर्डर ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है ना। इससे वेबसाइट पूरी आपके एक पैकेट में रहती है, फील होता है आपको, ठीक है ना। उसके बाद आप नीचे चलते हैं और आप हेडर से ठीक नीचे, जो कि हेडर के अंदर नहीं है आपका नेविगेशन बार, तो आप हेडर से ठीक नीचे बनाएंगे बैकग्राउंड कलर। नेविगेशन को आप दे देते हैं मिसाल के तौर पर हैश, उसके बाद आप इसको कलर देते हैं बैकग्राउंड कलर मिसाल के तौर पर, फिलहाल मैं डमी के तौर पर दे देता हूँ इसको ऑरेंज, फिर बाद में देखेंगे, या फिर ब्राउन दे देते हैं चलें, ठीक है ना, बाद में इसको मैनेज करेंगे। विद मैं इसे देता हूँ 960 जैसे कि मैंने बाकियों को दी है, और हाइट मैं इसको दूंगा ऑब्वियसली 50 px, फिर बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लेआउट क्रिएट करते में इतना ध्यान नहीं दिया जाता, ये हमारे पास आ गया हमारा विद नाइट कम्प्लीट, ठीक है ना। उसके बाद मज़ीद इंटर करते हैं और आप नीचे एक और लगाते हैं हैश, और आप लिखते हैं मेन, मेन के अंदर आप लिखते हैं मज़ीद बैकग्राउंड, ओहो नॉट हेयर शुड बी हेयर, बैकग्राउंड बैकग्राउंड आपने दे दिया मेन को, फॉर एग्जांपल ग्रे कलर का। और उसके बाद आपने नीचे चल के इसको विड्थ दे दी ऑब्वियसली 960, और 960 px, और 960 के साथ साथ आपने इसको हाइट दे दी, फॉर एग्जांपल हाइट हम इसको देते हैं फिलहाल 450 px। हम इसको चेक कर लेते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलता है हाइट का, ये हमारी हाइट आ चुकी है, अच्छा जी सेम कलर हो गया, कोई बात नहीं। और लास्ट में इंशाल्लाह ताला फिर इसके कलर्स को हम चेंज करेंगे फिर बाद में जब हमारे इस्तेमाल में आएंगी चीज़ें, लास्ट में मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक फूटर, ठीक है ना। फूटर मैंने क्रिएट किया, और फूटर के अंदर मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर फिल वक्त मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल ग्रीन, और विड मैं दे देता हूँ 960 px, और हाइट मैं दे देता हूँ 50 px। देखते हैं कितनी हाइट पे वो आ रहा है, वैसे तो फूटर में मुझे इतनी ज़्यादा हाइट की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल बराबर साइज़ में वेबसाइट हमारी क्रिएट हो गई, एक बेसिक लेआउट हमारा क्रिएट हो गया है। अब ये जो मैं हमारे पास मेन जो एरिया है, जो सेंटर वाला मिडिल एरिया है, मेन भी नहीं इसे मिडिल कहेंगे इस एरिया को, इसके अंदर हमने ये रहा हमारे पास CSHTML, ये रहा हमारे पास कंटेंट एरिया। कंटेंट एरिया पे हम मज़ीद काम करेंगे, वैसे आउटपुट फोल्डर आपको देखने की ज़रूरत नहीं तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको फुल स्क्रीन मिले बाद में। आउटपुट फोल्डर की आपको आउटपुट एरिया आपको ज़रूरत ही नहीं ना आपको देखने की। सो यहाँ पर आ जाते हैं, आप कंटेंट एरिया की बात करते हैं, आप दोबारा स्टाइल में चलते हैं और आप कंटेंट एरिया को मेन के अंदर नीचे ला के आप क्रिएट कर सकते हैं हैश कंटेंट एरिया, और उसके बाद आप इसके अंदर आप जो भी आपने प्रोग्रामिंग करनी है वो आप गिवन करें। आप कहते हैं कि बैकग्राउंड कलर है कंटेंट एरिया का, मिसाल के तौर पर फिल वक्त मैं दे रहा हूँ सिल्वर, ठीक है ना, और विद मैं दे रहा हूँ ओनली 500 px, इसको भी मैनेज करेंगे इंशाल्लाह ताला। हाइट मैं देता हूँ हाइट सेम दी जाएगी जो मेन की होगी, यानी 450 px, ठीक है। उसके बाद अब इसके अंदर एक तो प्रीव्यू देखते हैं क्या आ रहा है रिजल्ट, रिफ्रेश ये मेरे पास आ गया। इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करता हूँ इसकी विथ को, मैं इसको देता हूँ 600, शायद 6 से ज़्यादा देना पड़ेगा, ये 6 मैंने दिया और अप्लाई हो गया, 6 अप्लाई हुआ और 6 से मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा मुझे, 650 देके चेक कर लेते हैं ब्राउज़र में। 650 जो है ये 650 भी सही है,
चलें 650 रहने देते हैं, ठीक है ना, 650। और साथ ही साथ अब मेन के बाद अब एक और नीचे कंटेंट क्रिएट करेंगे, उसका नाम है हमारे पास ऑब्वियसली साइड बार एरिया, ठीक है ना। साइड बार क्रिएट किया मैंने, साइड बार को मैंने कलर दिया बैकग्राउंड, इसको मैं देता हूँ मिसाल के तौर पर जो भी कलर देना चाहें, मैं बैकग्राउंड का आप दे सकते हैं, इसको हम देते हैं फिलहाल वाइट, नहीं हाँ वाइट दे देते हैं टेस्टिंग के लिए, खाली मैंने वाइट कलर दे दिया है क्योंकि मुझे तो अभी खाली देखना है लेआउट। विद मैं दे देता हूँ इसको, जो बाकी बची होगी विद वो हम इसको दे देंगे 300, मैं इसको देता हूँ 310 बची है वैसे। और हाइट मैं इसको दे देता हूँ मिसाल के तौर पर 450 px। नाउ जस्ट रिव्यू दिस, ये नीचे नीचे हमारे पास आके क्रिएट हो गया, क्योंकि आपको पता है कि डिव दो डिव्स एक लाइन में नहीं आ सकते, बिल्कुल लॉजिकल सी सिंपल सी चीज़ है कि ये डिव और ये दोनों डिव्स हैं, दोनों एक लाइन में आ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इनको लाना पड़ेगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को फ्लोटेड एलिमेंट बनाना पड़ेगा। फ्लोट इसको भी लेफ्ट में फ्लोट फ्लोट करा देते हैं, और इसको भी साइड बार को भी लेफ्ट में फ्लोट करा देते हैं, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है ना, लेफ्ट में ये भी फ्लोटिंग में फ्लोटिंग कंडीशन में आ गया है, ठीक है। दोनों को फ्लोट लेफ्ट करा दिया तो दोनों एलिमेंट्स जो है फिर वो साथ साथ आ जाएंगे, आ गए ये दोनों एलिमेंट्स साथ साथ आ गए हमारे पास, ये रहा हमारे पास सिल्वर एलिमेंट, ये रहा हमारे पास वाइट एलिमेंट। ये हमारे एक बेसिक वेबसाइट का लेआउट है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मजीद इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।